रूबी कालिया एक भारतीय टेलीविजन एंकर और पत्रकार है। वह अपनी वक्तुला कौशला और एंकरिंग शैली के लिए भारतीय दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। रूबी कालिया का जन्म सोमवार 18 अप्रैल 1983 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर के सेठ गोवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और बैचलर ऑफ मास मीडिया करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय चली गई। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान रूबिका ने 2003 में चैनल 24 के साथ 3 महीने की इंटर्नशिप की। उन्होंने 2005 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। रूबिका एक मुस्लिम परिवार से है। उसके माता पिता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनकी एक बहन अंजुमा लियाकत है। रूबिका ने 28 अप्रैल 2012 को एक पत्रकार नवीद कुरैशी से शादी की। दंपति का एक बेटा और एक बेटी है। रूबिका ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में लाइव इंडिया चैनल से न्यूज एंकर के रूप में की थी। उन्होंने सितंबर 2008 तक वह काम किया और फिर एक एंकर और वरिष्ठ संवाददाता के रूप में न्यूज 24 से जुड़ गई। इसके बाद वह जी न्यूज में एंकर के रूप में शामिल हुई। वह तल ठोक के नामक शो की मेजबानी करके लोकप्रिय हो गई। उन्होंने जी न्यूज पर वरिष्ठ एंकर संपादक के रूप में काम किया। अगस्त 2018 में उन्होंने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया और एबीपी न्यूज नेटवर्क में शामिल हो गई। एबीपी न्यूज पर उन्होंने सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक की मेजबानी शुरू की। इस शो में कुछ बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और शोध आधारित कहानियाँ दिखाई गई। रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में उन्होंने एबीपी नेटवर्क से इस्तीफा दे दिया, जहां वह 5 साल से काम कर रही थी और जगदीश चंद्र के नेतृत्व वाले भारत 24 में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। भारत 24 ईटीवी समूह के स्वामित्व वाला एक समाचार चैनल है और इसे अगस्त 2022 में पेश किया गया था। लॉन्च कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के ITI सेल के प्रमुख अमित मलवाली ने भाग लिया था। वह पत्रकार सुधीर चौधरी को अपनी प्रेरणा मानती है। वह एक शौकीन पशु प्रेमी है। उसके पास एक पालतू कुत्ता रोमियो है।